एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? फिर कहाँ है वो? अपनी दुनिया में क्या मतलब? किस्मत में नहीं थी, अपनी दुनिया बसा ली उसने। शादी हो गई उसकी? वेरी सैड। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरा मानना है कि दो प्यार करने वालों के बीच में एक ही फरीक प्यार करता है, दूसरा सिर्फ तस्लीम कर रहा होता है। उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत है। तुम्हारी और मेरी लाइफ स्टोरी कितनी मिलती जुलती है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, उदास हो गए उसके नाम से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लग तो रहा है, मैंने तो उसकी परवाह करना ही छोड़ दी। जो बेवफा हो उसके लिए दिल जलाने का क्या फायदा? क्यों क्या मतलब? जब किसी को आपकी परवाह ही नहीं, तो आपको क्या पड़ी है उसके लिए अपनी जिंदगी खराब करने की? ये आपकी अपनी राय है, आप बेहतर समझती हैं। क्या मैं गलत कह रही हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, भला मैं क्या कह सकता। अगर कोई शख्स आपको मुसलसल नजरअंदाज कर रहा हो, वो आपको अपनी जिंदगी से निकाल ही चुका हो, तो किसी ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी अजाब करना अकलमंदी है। इसका तो मतलब आपको उससे मोहब्बत ही नहीं। अब मोहब्बत तो क्या समझती है, ये बाकी चीजों की तरह गिव एंड टेक नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये लाजमी नहीं है कि वो भी आपसे प्यार करे। बिल्कुल, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको भी चाहिए वो भी इजहार मोहब्बत करे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफी मुख्तलिफ है। खैर, हम इस बारे में बाद में तफसील से बात करें। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।